Hello everyone, welcome to Rajmudra Academy. In today's video, we are going to discuss about the strategy and approach for upcoming 2025 descriptive pattern examination. Okay, MPSC ki jo hamari exam hai 2025 mein, jo descriptive pattern mein hone wali hai. So, ab tak jo bhi student the, up till now, we were learning things, we were sort of remembering everything and then putting it in a MCQ pattern manner. Okay, so इसमें क्या होता था कि हम बस पढ़ते जा रहे थे जो भी हमें आता है, कुछ MCQ pattern की tricks होती थी या फिर जो practice है कि question को solve कैसा करना है MCQ में, वो जो multiple choice question है उसमें जो multiple choice हमें दी जाती थी उसमें से जो best answer है वो कैसे निकालना है ये हमें पता होता था. ओके okay. सो अब ये जो चेंज है वो बहुत बड़ा चेंज है. ओके, इट विल बी अ ह्यूज चेंज फॉर एवरी एस्पिरेंट इन महाराष्ट्र. व्हाई? बिकॉज एनालिटिकली हमें अब क्वेश्चन को समझना है और उसे आंसर भी करना है. ओके, तो इसमें फर्स्ट थिंग क्या होने वाली है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं, ओके, वो जो हम पढ़ रहे हैं उसे हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ पढ़ना होगा. देन उसे कॉम्प्रिहेंड करना होगा कि ये जो सब कुछ हम पढ़ रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल GS2 में हम पॉलिटी पढ़ेंगे, GS1 में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ेंगे, कुछ ज्योग्राफिकल फेनोमेना है वो पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, तो ये ऐसा क्यों है, उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका फ्यूचर इम्पैक्ट क्या हो सकता है, ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी होगी. सिर्फ हमें फैक्ट्स याद नहीं करने हैं. ओके, तो इसकी वजह से सबसे पहला चेंज जो हमारे पढ़ने के स्ट्रेटेजी में या फिर पढ़ने के तरीके में आने वाला है वो है हमारा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग. ओके, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हम अभी क्या देखने वाले हैं कि हमारा सिलेबस क्या है. ओके, एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरीके से होगा, एंड देन जो PYQ आए हैं, UPSC ने जो भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मेंस में GS2 के लिए डाले थे वो हम डिस्कस करने वाले हैं. हाउ टू अप्रोच राइटिंग अ क्वेश्चन. ओके, सो क्वेश्चन किस तरीके से लिखना है, आंसर किस तरीके से हमें वो देना है, उसके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यह है MPSC प्रीलिम्स का पैटर्न. यहाँ पे जो पेपर वन है, पेपर वन में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 100, टोटल मार्क्स 200 के लिए. ओके, मीडियम बोथ मराठी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा, ड्यूरेशन रहेगा 2 आवर्स एंड नंबर ऑफ पेपर और नेचर ऑफ पेपर जो है क्वेश्चन वो रहेगा ऑब्जेक्टिव. ओके, सो जो प्रीलिम्स हमारा होगा, प्रीलिम्स में यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है. ओके, प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव पहले भी था, अभी भी ऑब्जेक्टिव है. देन सेकेंड पेपर जो हमारा रहता है CSAT का पेपर. ओके, आई होप ये तो आपको पता ही होगा. प्री का सिलेबस हम यहाँ पे देखेंगे. जो पेपर वन होता है, देन आपको पता है CSAT जो है क्वालिफाइंग पेपर है. ओके, तो मेरिट कहाँ से लगता है? पेपर वन से लगता है, GS1. ओके, तो उसमें आपको क्या पढ़ना है? सो करंट इवेंट्स ऑफ स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस. ओके, जो भी करंट अफेयर्स हम बोलते हैं वो यहाँ पे होने वाला है. सेकेंड है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट विथ सम वेटेज टू महाराष्ट्र. MPSC की एग्जाम है. ओके, सो स्पेसिफिक थोड़ा सा महाराष्ट्र का जो हिस्ट्री है वो हमें पढ़ना होगा. ओके, देन महाराष्ट्र, इंडिया एंड वर्ल्ड जियोग्राफी. ओके, इंडिया एंड वर्ल्ड का जियोग्राफी UPSC के लिए पढ़ते हैं, यहाँ पे स्पेसिफिक हमें महाराष्ट्र के ऊपर भी वेटेज होगा. जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी, सोशल इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ महाराष्ट्र, इंडिया एंड द वर्ल्ड. नेक्स्ट, इंडिया एंड महाराष्ट्र, उसका पॉलिटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, अर्बन गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इशू,
ये जो पॉलिटी एंड गवर्नेंस में आने वाले सब इश्यूज़ हैं वो हमें पढ़ने होंगे, ओके। हालांकि ये जो सब सिलेबस है जब आप मेंस की प्रिपरेशन करते हैं वो कवर हो जाता है, ओके। बट जो हमारा प्री का पेपर रहता है वो ऑब्जेक्टिव रहता है। इसके लिए थोड़ा सा प्री के पहले हमें हमारा पढ़ने का तरीका जो है वो बदलना होता है। नेक्स्ट, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट इसमें है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पावर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक एंड सोशल सेक्टर इनिशिएटिव एटसेट्रा, जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंट इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज, ओके। और ये जो लास्ट वाला सेक्शन दिया है जनरल साइंस भी है। तो अगर हम देखते हैं जैसा कि एमपीएससी के लिए स्पेशली जो जनरल साइंस के क्वेश्चंस होते हैं प्रीलिम्स में वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ओके। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हो तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो एमपीएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है प्रीलिम्स के पहले उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना होगा। एंड उसी समय हमें यूपीएससी में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, ओके, यूपीएससी के पीवाईक्यू भी करने होंगे। जो ये लास्ट वाला पार्ट है एनवायरनमेंट का, उसके लिए स्पेशल कुछ एक्सपर्टीज आपकी हो ये रिक्वायरमेंट नहीं है, जनरल नॉलेज आपको होना चाहिए, इन्होंने ऐसा दिया है। फिर भी यहाँ पर हमें ये ध्यान में लेना होगा कि सबसे पहले तो PYQ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन किस तरीके से पूछे गए हैं ये हमें पता होना ज़रूरी है, ओके। CSAT का सिलेबस है, CSAT में कॉम्प्रिहेंशन होगा, इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, देन लॉजिकल रीजनिंग और आपकी एनालिटिकल एबिलिटी यहाँ पे चेक होगी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, ओके, बेसिक न्यूमरेसी, नंबर्स एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड। क्लास 10th तक का लेवल का होगा ये सब, ऐसा उन्होंने दिया है। फिर भी जो कॉम्प्रिहेंशन होता है अगर हम कंपेयर करते हैं एमपीएससी का कॉम्प्रिहेंशन फेयरली इजी होता है। सो अब तक एमपीएससी का जो सीसैट का पेपर है वो इतने टफ लेवल पे नहीं गया है कि वो यूपीएससी की सीसैट की तरह क्रैक ही हम वो कवर ही नहीं कर सकते, या फिर जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो नहीं ला सकते, इतना तो हार्ड अभी तक नहीं हुआ है। फिर भी प्री के पहले हमें उसके ऊपर भी ध्यान देना ज़रूरी है, ओके। जो मेंस हमारा होगा 2025 में वो डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में होगा, ओके। तो जो एमपीएससी ने हमें ये पीडीएफ है वो प्रोवाइड किए हैं, उसमें जो हमारा रिटन एग्ज़ाम है वो 1750 मार्क्स का रहेगा, 1750, ओके। उसमें जो हमारा इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट है वो 275 मार्क्स का रहेगा, टोटल 2025 मार्क्स, ओके। जो ये पेपर 1 एंड पेपर 2 है वो पेपर क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, ओके। तो ये क्वालिफाइंग पेपर है, यहाँ पे आपको अगेन बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज़ की ज़रूरी नहीं होती है, पर मिनिमम जो 25% मार्क्स है इसमें आपको लाने होते ही है। देन ऐसे 250 मार्क्स के लिए होगा, ओके, उसका ड्यूरेशन होगा 3 आवर्स और 3 आवर्स। देन जनरल स्टडीज़ 1, GS 1 का पेपर, अगेन हर एक जो पेपर है वो हमें 250 मार्क्स का ही है, ये आपको पता होना चाहिए। जो मीडियम है वो आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, मराठी में भी लिख सकते हो, ओके। ये होगा डिस्क्रिप्टिव पैटर्न। GS 1 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, ये होगा। देन GS 2 गवर्नेंस एंड पॉलिटी का ये पेपर है। GS 3, ओके, हर एक पेपर 250 मार्क्स का आपको रहेगा, 3 आवर्स आपको लिखने के लिए टाइम होगा। GS 3 इकोनॉमिक्स, ओके, एंड जो सिक्योरिटी है हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के जो सब्जेक्ट होते हैं, एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट होते हैं, वो GS 3 में आएंगे। GS 4 एथिक्स का पेपर होगा, ओके। देन ये सब हो जाने के बाद आपको एक आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना होगा, यू हैव टू चूज़ एन ऑप्शनल सब्जेक्ट, ओके।
सो ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसा चूज़ करना है इसके लिए हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आप 2025 के लिए प्रिपरेशन अभी कर रहे हो तो ये जो हमारे जीएस के पेपर हैं उन सभी सब्जेक्ट का आपको स्टडी करना है। ओके, जब आप एनालिसिस करोगे, जब आप पूरा जीएस का सिलेबस एक बार कवर कर लोगे, तब आपका इंक्लिनेशन हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट मुझे लेना है। देन ऑप्शनल सब्जेक्ट के दो पेपर हो गए, अगेन 250 मार्क्स ईच, 3 आवर्स फॉर ईच पेपर। ओके, नाउ दिस इज द सिलेबस अगेन। सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट GS2, दैट इज गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन विद सम वेटेज टू महाराष्ट्र। ये जो GS पेपर 2 है, यहाँ पे आप उसका जो सिलेबस है आज वो देखने वाले हैं। तो आपको GS 2 में पॉलिटी में क्या पढ़ना है? ओके, सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है, किस तरीके से हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका इवोल्यूशन हुआ है। ओके, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजन एंड बेसिक स्ट्रक्चर। ओके, एक बेसिक स्ट्रक्चर एंड डॉक्ट्रिन क्या होता है, उसका इवोल्यूशन किस तरीके से हुआ है ये हमें देखना है। देन फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ यूनियन एंड स्टेट। यूनियन और स्टेट्स का जो भी पावर शेयरिंग है, जो डिविजन ऑफ पावर है, वो किस तरीके से है, उसके बारे में यहाँ पे हमें पढ़ना है। इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द फेडरल स्ट्रक्चर। इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है, ओके, तो उसमें क्या इश्यू होते हैं, उसके क्या चैलेंजेस हैं, ये हमें देखना है। देन सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, डिस्प्यूट्स, रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशंस। ओके, सो ये सेपरेशन ऑफ पावर है बिकॉज ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर, तो वो हमें पता होना जरूरी है, ये हमें पढ़ना है। देखो, हम जब सिलेबस अभी डिस्कस कर रहे हैं, जब मैं आपको सिलेबस बता रही हूँ, तो जो भी सिलेबस में हमें दिया गया है उसके बाहर का कुछ तो एग्ज़ाम में पूछेंगे नहीं। ओके, मोस्टली ऐसा होता नहीं है, कुछ बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स कुछ पूछ लिया। ओके, सो मेक श्योर दैट यू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक ऑफ द सिलेबस। आपको क्या करना है, सिलेबस का हर एक टॉपिक, हर एक वर्ड जो है उसे समझ लेना है और उसका उसके अराउंड, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। अगेन, जब आप सिलेबस देखते हो तो सिलेबस के हर एक पॉइंट के लिए आपको क्या करना है, उसके ऊपर पूछे गए ऐसे जो PYQ है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है, वो देखने हैं। सो आप यहाँ पे यू कैन गेस और यू कैन एनालाइज विच टॉपिक इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड विच इज़ नॉट। ओके, सो सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म एंड इंस्टीट्यूशन, कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है और जो अदर कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्या सिमिलैरिटीज है और उसमें क्या डिफरेंसेस है। ओके, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर्स एंड प्रिविलेज एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ दिस। ओके, तो हमारा पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है इंडिया में, तो स्टेट लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट है, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से है। ओके, वहाँ पे बिजनेस किस तरीके से होता है, पावर्स एंड प्रिविलेजेस क्या होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के, ओके, MPs के लिए, और उसमें क्या इशू है वो हमें पढ़ना है। देन स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी का जो भी फंक्शन है, ओके, उनके अंडर आने वाले जो भी डिपार्टमेंट्स है, उसके अराउंड जो भी इश्यूज़ है, ये हमें पढ़ना है, थोरली पढ़ना है। देन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ओके, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में म्यूनिसिपैलिटी है, पंचायती राज सिस्टम है, वो किस तरीके से काम करता है ये हमें देखना है। सेलियंट फीचर्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, RPA है। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, यहाँ पे क्या दिया है, सेलियंट फीचर्स उसके क्या है, सो ये इसका भी हमें
थोरोली नॉलेज होना चाहिए. देन अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स, पावर्स, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. तो हमें ये तो पढ़ना ही है, आपने पहले भी पढ़ा होगा. ओके, जो नए हैं उनको तो पढ़ना ही है. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन सी है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन सी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ कौन सी है, स्टैचुटरी बॉडीज़. ओके, इन सब के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है. स्टैचुटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज़. ओके, नेक्स्ट, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन. तो यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन फॉर डेवलपमेंट, क्या क्या गवर्नमेंट ने पॉलिसीज जो है वो अब तक लॉन्च की हैं, किस तरीके से हमने डेवलपमेंट अब तक की है और आगे के हमारे होने वाले प्रोजेक्ट क्या रहेंगे, इसके बारे में हमें यहाँ पे नॉलेज लेनी है, पढ़ाई करनी है. देन डेवलपमेंट प्रोसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज, द रोल ऑफ NGOs, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है SHG, वेरियस ग्रुप्स, एसोसिएशन, डोनर्स, चैरिटीज, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर स्टेक होल्डर्स, वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द पॉपुलेशन बाय सेंटर एंड स्टेट एंड द परफॉर्मेंस ऑफ दीज स्कीम्स, मैकेनिज्म्स, लॉज, इंस्टीट्यूशंस एंड बॉडीज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द प्रोटेक्शन एंड बेटरमेंट ऑफ दीज वल्नरेबल सेक्शन. इंडिया में जो भी माइनॉरिटीज़ हैं और वीकेंड से वल्नरेबल सेक्शंस हैं, उनके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, उनके लिए गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम्स है, और उस जो भी स्कीम्स हम उनके लिए लॉन्च करते हैं, गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं, उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है, इसके बारे में हमें पढ़ाई करनी है. देन issues relating to the development and management of social sector services relating to the health, education and human resource. Okay, then issues relating to poverty and hunger, important aspects of governance, transparency, accountability. Governance kya hota hai, hame ye pata hai, ye jo famous quote hai wo hame pata hai, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस. तो गवर्नेंस क्या है, जो इंस्टीट्यूशंस है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स है, वो हमें ज़्यादा बढ़ाने नहीं है, रादर हमें क्या करना है, एक ही इंस्टीट्यूशन में, एक ही स्ट्रक्चर में हमें ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करनी है. ओके, जो भी आउटकम होगा वो क्विक होना चाहिए, इफ़िशियंट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. ओके, सो हमें गवर्नेंस पे फोकस करना है. ओके, तो जो कि गवर्नेंस के इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, तो ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, ई गवर्नेंस है. ओके, सो उसका एप्लीकेशन मॉडल्स, उसका सक्सेस क्या है, उसके लिमिटेशंस क्या है एंड पोटेंशियल, सिटीजन चार्टर, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशनल एंड अदर मेजर्स, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में सिविल सर्विसेज का रोल क्या है. ओके, ये हमें देखना है. देन इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस. ओके, आईआर का पार्ट. ओके, GS2 में हमें आईआर की, दैट इज़ इंटरनेशनल रिलेशंस की भी पढ़ाई करनी है. बायलैटरल, रीजनल, ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड अग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया एंड और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट. ओके, इंडिया के इंटरेस्ट को अफेक्ट करने वाले और इंडिया का जहाँ भी इन्वॉल्वमेंट है उसका क्या इम्पैक्ट होगा. ओके, तो जो भी, जहाँ पर भी हमारे इन्वॉल्वमेंट है, जो भी ट्रीटीज़ है, जो पॉलिसीज़ है, जो अग्रीमेंट्स हमने साइन किए हैं, ओके, उसके बारे में हमें पढ़ना है. देन इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ ऑन इंडियाज इंटरेस्ट एंड इंडियन डायस्पोरा. तो अगर अगेन इंडियन डायस्पोरा क्या है, जो इंडिया के लोग हैं वो पूरे ग्लोबल में, ओके, या फिर वी कैन से जहाँ पर भी वो रहने वाले हैं, ओके, तो जो कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी है ऑल अराउंड द वर्ल्ड, उन्हें हम क्या कहते हैं, इंडियन डायस्पोरा.
ओके इंडियन ओरिजिन के हैं या फिर इंडिया में रहने वाले वो लोग हैं, अभी किसी वजह से वो दूसरे कंट्री में वहाँ पे स्थित है, ओके तो वो है इंडियन डायस्पोरा। तो जो भी पॉलिसीज होती है डेवलपिंग एंड डेवलप्ड नेशन के बीच में जिसमें इंडिया इन्वॉल्व है, उसका इंडिया के इंटरेस्ट पर और इंडिया के डायस्पोरा पर क्या इफेक्ट होगा। एंड लास्टली इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजेंसीज, फोरम एंड देयर स्ट्रक्चर एंड मैंडेट, जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है ओके जिसमें इंडिया भी इन्वॉल्व है और ग्लोबली बहुत कंसर्निंग और की इंस्टीट्यूशंस वो है, ओके यूएन हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, आईएमएफ हो गया, ओके जो भी ग्रुपिंग्स है, आशियान है, सार्क है, ओके G20, नेटो, इन सब के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है, ओके सो ये था हमारा मेंस का सिलेबस। तो ये जो सिलेबस हमने यहाँ पे अभी देखा है उसमें क्या होगा, प्रीवियसली क्या होता है या फिर जब हमारा ऑब्जेक्टिव पैटर्न था तब सिलेबस के ऊपर आपको क्या करना था, अगेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मेंस में भी होते थे। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, ये जो सिलेबस है उसके ऊपर आपको लिखना है, डिस्क्रिप्टिव पैटर्न है, ओके सो मेन कंसर्न यहाँ पे क्या आता है कि आप जो भी आंसर लिखेंगे किस तरीके से आप लिखने वाले हैं। अगर आप पहले भी MPSC की प्रिपरेशन कर चुके हो तो आपको पता है कि आपको लिखना, लिखने की प्रैक्टिस, राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी क्रूशियल फॉर यू, ओके अगेन फॉर न्यू कमर्स ऑल्सो राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, ओके तो अब हम क्या देखने वाले हैं, ये जो सिलेबस है, सिलेबस के ऊपर UPSC ने प्रीवियस ईयर्स में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे हैं ये हम देखने वाले हैं, कुछ उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, सो यू विल गेट द आइडिया कि आपको क्या टैकल करना है और किस चीज़ के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ओके देन आई विल टेल यू अबाउट हाउ टू राइट अ गुड आंसर, आपका आंसर लिखते समय अप्रोच क्या होना चाहिए ये मैं आपको बताऊंगी, ओके अगेन लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो UPSC ने पूछे हैं, ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड ज्यूडिशियल इंडिपेंडेंस इज अ प्रीरिक्विजिट फॉर डेमोक्रेसी, ओके तो यहाँ पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लेना है। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, ओके अगेन ये जो टेल वर्ड होता है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ये जो भी कोट दिया है उसके ऊपर हमें कमेंट करना है, ओके तो पहले कोट समझ में लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड ज्यूडिशियल इंडिपेंडेंस इज प्री रिक्विजिट फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी ओके लोकशाही, लोकतंत्र जिसे हम बोलते हैं, ओके डेमोक्रेसी अगर आपको आपके देश में इस्टैब्लिश करनी है तो उसके लिए जो प्री रिक्विजिट है, मतलब जो एक कंडीशन है जो वो फुलफिल करनी है आपको, वो है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड ज्यूडिशियल इंडिपेंडेंस होना ज़रूरी है, ओके यहाँ पे अगेन कीवर्ड आता है ज्यूडिशियल इंडिपेंडेंस, ओके तो ये आपको पता होना ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड ज्यूडिशियल इंडिपेंडेंस अगर होगा तो या फिर वो एक कंडीशन है, वो एक प्री रिक्विजिट है, किसके लिए है, डेमोक्रेसी के लिए, तो उसके ऊपर आपको कमेंट करना है, जो भी आपकी राय है वो आपको लिखनी है। अगेन 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, वर्ड लिमिट यहाँ पे होगी, उसी वर्ड लिमिट में आपको ये करना होगा। अगेन सेकेंड क्वेश्चन, हु आर एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्री लीगल एड, असेस द रोल ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी इन रेंडरिंग फ्री लीगल एड इन इंडिया, ओके सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, हु आर एंटाइटल्ड टू रिसीव
फ्री लीगल एड, प्योर स्टैटिक क्वेश्चन है। ओके, आपको पता होगा, आपने अगर पढ़ा होगा तो ये आप एड्रेस कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, असिस द रोल ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ओके, जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का रोल है वो असेस करना है। ओके, उसके बारे में हमें आपका जो भी प्रोज है कॉन्स है, जो भी इम्पैक्ट आज तक का हुआ है उसके ऊपर हमें ध्यान देना है। रेंडरिंग फ्री लीगल एड इन इंडिया। ओके, तो ये जो असेस है ये अगेन इम्पॉर्टेंट वर्ड है हमारे के लिए, हमारे लिए। ओके, 10 मार्कर का क्वेश्चन है। तो नालसा का भाई जो रोल है किसमें, फ्री लीगल एड इन इंडिया। ओके, उसके बारे में आपको लिखना है। अगेन यहाँ पे क्या है अभी कि अगर आपने स्टैटिक बुक जो है आपने अच्छी तरीके से वो पढ़ा है, सो यू कैन एड्रेस दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। ओके, द थर्ड क्वेश्चन, द स्टेट्स इन इंडिया सिम्स रिलक्टेंट टू एम्पावर अर्बन लोकल बॉडीज बोथ फंक्शनली एज वेल एज फाइनेंशियली। अगेन यहाँ पे टेल वर्ड क्या है, कमेंट यहाँ पे हमें करना है। द स्टेट इन इंडिया सिम्स रिलक्टेंट, जो भारत के राज्य है वो रिलक्टेंट है, मतलब क्या है, नाखुश है वो। द स्टेट्स इन इंडिया सिम्स रिलक्टेंट, रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है, वो नाखुश है। ओके, टू एम्पावर अर्बन लोकल बॉडीज, जो अर्बन लोकल बॉडीज है, म्यूनिसिपैलिटीज है, ओके, उनको वो एम्पावर नहीं कर रहे हैं, फंक्शनली भी नहीं कर रहे हैं और फाइनेंशियली, मतलब उनको वो एड जो है या फिर फाइनेंशियली वो ऑटोनॉमी भी ज़्यादा नहीं दे रहे हैं। ओके, तो ये रिलक्टेंट क्यों है। ओके, और ये जो पूरा सेंटेंस दिया गया है उसके ऊपर आपको कमेंट करना है, व्हाट आर योर थॉट्स। अगेन 10 मार्कर क्वेश्चंस है, आपको दिए गए वर्ड लिमिट में ही उसे लिखना है। अगर आपने जो हमने अभी सिलेबस में देखा, हमने सिलेबस में क्या देखा, फर्स्ट थिंग जो लोकल बॉडीज है या फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसकी स्टडी और उसकी पढ़ाई अगर आपने अच्छी तरीके से की हो तो ये क्वेश्चन भी आपके स्टैटिक बेस पर ही है और यू कैन आंसर द क्वेश्चन वेरी इजीली। नेक्स्ट, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैव सक्सीडेड इन इंक्रीजिंग ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई टू वेरियस सेक्टर्स। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट एनालाइज द लिंकेजेस बिटवीन एजुकेशन स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट। ये जो है वो 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। ओके, लेट्स डिकोड इट। सो फर्स्ट इज स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, किसके बारे में बात हो रही है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के बारे में बात हुई है। हैव सक्सेडेड इन इंक्रीजिंग ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई। ओके, ह्यूमन रिसोर्स सप्लाई को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है वो सक्सीड हुए हैं, ऐसा उनका बोलना है, टू वेरियस सेक्टर। मतलब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब स्किलफुल हो गए हैं। ओके, उनके पास स्किल्स है फॉर वेरियस सेक्टर्स एंड दे कैन हैव एम्प्लॉयमेंट। ओके, तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट, अगेन कीवर्ड क्या है, एनालाइज। हमें यहाँ पे क्या करना है, उसका एनालिसिस करना है। ओके, एनालाइज द लिंकेजेस बिटवीन एजुकेशन स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, जो आपको एजुकेशन मिल रही है, ओके, जो स्किल है और एम्प्लॉयमेंट, जो रोजगार आपको मिलता है, इन सब का क्या लिंकेज है। ओके, इसका आपको एनालिसिस करना है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू। ओके, ये आपको पता होना ज़रूरी है या फिर वो क्वेश्चन की डिमांड जो है वो समझना हमें यहाँ पे ज़रूरी है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट एनालाइज द लिंकेजेस बिटवीन एजुकेशन स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, एजुकेशन अगर ख़राब हो, अगर आपके पास डिग्री भी है बट आपके पास स्किल नहीं है तो आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल सकती है। ओके, अगेन यहाँ पे
एनालाइज करना है तो आपको वेरियस फैक्टर्स यहाँ पे देने होंगे कि अगर स्किल भी है ओके बट अगर वो डिग्री नहीं है आपके पास तो फिर भी आपको एम्प्लॉयमेंट में यहाँ पे डिफ़िकल्टीज़ हिंड्रांसेस आ सकते हैं। अगेन उसमें ये भी आपको पता होना ज़रूरी है कि इन इंडिया सम पीपल हैव बोथ एजुकेशन एंड स्किल बट दे डू नॉट हैव द एम्प्लॉयमेंट ऑफ देयर चॉइस। ओके जो भी उनको काम करना है वो उसमें खुश नहीं है। ओके तो इसके जो लिंकेजेस है उसे आपको एनालाइज करना है। ये 15 मार्कर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट द एक्सपांशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ नेटो एंड अ स्ट्रॉन्गर यूएस यूरोप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वर्क्स वेल फॉर इंडिया। व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस स्टेटमेंट? Give reasons and examples to support your answer. 15 marks का ये अगेन क्वेश्चन है ओके तो द एक्सपांशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ नेटो ओके नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ओके एंड अ स्ट्रॉन्गर यूएस यूरोप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। नेटो अगर स्ट्रांग होता है उसका एक्सपांशन होता है और यूएस और यूरोपियन कंट्रीज जो है उनका जो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है वो भी स्ट्रांग होता है तो ये इंडिया के लिए अच्छी चीज़ है। इंडिया के लिए ये वर्क करता है ओके तो इसके बारे में आपका ओपिनियन क्या है? व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट द स्टेटमेंट? जो भी आप ओपिनियन यहाँ पे देने वाले हो उसके लिए आपको रीजंस देने होंगे क्यों आप सपोर्ट करते हो और उसके एग्जाम्पल्स भी देने होंगे ओके टू सपोर्ट योर आंसर। अगेन 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या होगा, वर्ड लिमिट आपको ज़्यादा होगी ओके सो आई होप आपको जो क्वेश्चंस है वो समझ में आ रहे होंगे सो दैट यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन और आपको वो एक वी कैन से हैव अ आइडिया ओके आई एम टेलिंग यू दैट हैव अ आइडिया। जब भी आप पढ़ने बैठोगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये मुझे आंसर में लिखना है ओके किस तरीके से मैं लिख सकता हूँ या फिर जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो सो इस टॉपिक में किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है ये आपको पता होना ज़रूरी है या फिर आपका एक गेस वो अच्छा होना चाहिए। देन अगेन लास्ट क्वेश्चन, सी इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द कॉस्मोस। डिस्कस इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट द रोल ऑफ IMO, International Maritime Organization, in protecting environment and enhancing maritime safety and security. Okay, तो ये जो sentence है उसका meaning जो है वो आपको पता होना ज़रूरी है। जो हमारा sea है okay, समुद्र जो sea है ये पूरे हमारे cosmos का entire world का एक कॉस्मोस का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक कंपोनेंट है ओके तो यहाँ पे क्या है, सी का इम्पोर्टेंस हमें बताया गया है। तो यहाँ पे जो IMO है, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती है और मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करती है उसके बारे में हमें लिखना है ओके आंसर उस टाइप के हमें देने हैं। आई होप यू हैव understood the questions of UPSC descriptive pattern okay किस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको किस तरीके से उसे आंसर करना है ओके नाउ लेट्स डाइव इनटू हाउ कैन वी राइट अ गुड आंसर्स ओके राइटिंग आंसर्स फॉर UPSC मेंस जनरल स्टडीज पेपर टू रिक्वायर्स स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। स्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए, आपको डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सब्जेक्ट मैटर की या फिर कंसेप्ट्स की ओके सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। आपको पहले तो क्या करना होगा, जो भी क्वेश्चन है उसे समझना होगा, अच्छी तरीके से समझना होगा। अगर आप केयरफुली वो क्वेश्चन रीड करते हो तो आपको वो पता चल जाएगा। Identify the keywords in the central theme of the question. Okay? Keywords को आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है ओके okay? उसके
उसके हिसाब से आपको वो पता चल जाएगा। मेन वर्ड जो कीवर्ड है, तो आपको जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उस तरीके से आप आंसर लिख सकते हो। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सेकेंड, इंट्रोडक्शन। आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन देना है। स्टार्ट योर आंसर विद द ब्रीफ इंट्रोडक्शन दैट एड्रेसेस द कोर थीम ऑफ द क्वेश्चन। इट शुड सेट द कॉन्टेक्स्ट फॉर योर आंसर एंड प्रोवाइड अ रोड मैप ऑफ व्हाट यू विल बी डिस्कसिंग। क्या होता है ना कि जब भी आप क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट करते हो तो आपके इंट्रोडक्शन से ही पता चलता है कि जो भी क्वेश्चन, जो भी आंसर आपने लिखा है, आपको क्वेश्चन की डिमांड जो है वो पता चली या नहीं चली, ये आपके इंट्रोडक्शन से ही पता चल जाता है। ओके, सो दैट्स व्हाई फर्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड सेकेंड इज गिव अप्रोप्रिएट इंट्रोडक्शन। ओके, इंट्रोडक्शन बहुत लंबा भी नहीं होना चाहिए, बहुत शॉर्ट भी नहीं होना चाहिए, बट आपके इंट्रोडक्शन से ये पता चलना चाहिए कि आपको जो क्वेश्चन की डिमांड है वो पता चली है। नेक्स्ट, कंटेंट। प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव आंसर विथ रिलेवेंट कंटेंट। दिस कुड इंक्लूड फैक्ट्स, एग्जांपल्स, केस स्टडीज, सॉरी, रिपोर्ट्स, गवर्नमेंट स्कीम्स एटसेट्रा। इंश्योर दैट योर कंटेंट डायरेक्टली एड्रेसेस द क्वेश्चन आस्क्ड। तो अभी इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन के बाद में है कंटेंट, आपका बॉडी। ओके, आंसर जो भी आप लिखे हो वो मेन बॉडी है, तो उसमें आपको क्या करना है, डायरेक्टली जो डिमांड है क्वेश्चन की वही एड्रेस करना है। क्योंकि देखो, आपके पास टाइम लिमिट है, वर्ड लिमिट भी है। ओके, सो आप बहुत ज़्यादा घूम फिर के आंसर नहीं कर सकते हो, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन का डिमांड यहाँ पे एड्रेस करना है। स्ट्रक्चर योर आंसर्स, ऑर्गेनाइज योर आंसर्स इन अ स्ट्रक्चर्ड मैनर। यूज हेडिंग्स, बुलेट पॉइंट्स और पैराग्राफ्स टू मेक इट ईजियर फॉर द एग्जामिनर टू फॉलो योर ट्रेन ऑफ थॉट्स। पहले एक पॉइंट लिखा है, फिर से अलग कुछ तो भी पॉइंट, थर्ड पॉइंट कुछ तो भी अलग, सो एक कोहरेंस उसमें नहीं रहता है। ओके, जो भी आपको, जो भी स्ट्रक्चर्ड वे में आपका आंसर होना चाहिए, जो भी आपको लिखना है वो सामने वाले को समझ में आना चाहिए। ओके, अगर आप पॉइंट्स में भी आंसर लिखते हो तो उस पॉइंट में भी कुछ तो भी रिलेवेंस होना चाहिए, आपको टाइटल्स, सब टाइटल्स देने जरूरी है। ओके, बी एनालिटिकल। डोंट जस्ट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, एनालाइज इट, ऑफरिंग इनसाइट, एक्सप्लेनेशन एंड इंटरप्रिटेशन। Discuss the causes, consequences, implication and possible solution related to the topic. Again, ये जो point है वो कहाँ पर relevant होता है, आपके question के demand के ऊपर। अगर आपकी question की demand ही है कि analyze करो, discuss करना है, analyze करना है या फिर critically examine करना है, इस तरीके का आपको tell word दिया गया है या फिर आपकी question की demand ही वही है, तो आप उस type के क्वेश्चन के लिए आंसर में सिर्फ फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हो। ओके, यू हैव टू राइट द आंसर इन एनालिटिकल वे। नेक्स्ट, यूज एग्जांपल्स। जो भी आप लिख रहे हो, ओके, उसके सपोर्ट करने वाले एग्जांपल्स आपको देने जरूरी है। बाय गिविंग एग्जांपल्स यू आर ऑथेंटिकेटिंग दैट योर आंसर। ओके, जो भी ऑथेंटिसिटी है आपके आंसर को, आपने जो भी एग्जांपल्स दिए हैं उससे आती है। ओके, सो एग्जांपल्स, रिलेवेंट एग्जांपल्स देना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। बैलेंस, ओके, तो आपके आंसर में बैलेंस ज़रूरी है। अगर आपके पर्सनल थॉट्स भी किसी चीज़ के ऊपर बहुत ही क्रिटिकल है या फिर बहुत ही पॉजिटिव है, जो भी हो, आपको यहाँ पे क्या करना है, बैलेंस न्यूट्रल आंसर्स देने हैं। ओके, बिकॉज अगर आप बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाते हो तो आपकी जो पर्सनैलिटी है, हर एक चीज़ को आप उसी निगेटिव वे में देखते हो, पेसिमिस्टिक व्यू यहाँ पे आपका दिख जाता है। तो अब हमें ये नहीं करना है, हमें एक न्यूट्रल बैलेंस्ड आंसर देना ज़रूरी है। एंड नेक्स्ट इज़ कंक्लूजन। अगर
अगेन यहाँ पे क्या है, ये जो लास्ट स्टेप है उसे आपको क्या आंसर को पूरा समराइज करना है। ओके, जो भी इंट्रोडक्शन में हमने डिमांड जो है हमें समझ में आई है ये दिखाया था, हमने बॉडी में क्या किया है आंसर लिखते समय डायरेक्ट डिमांड को एड्रेस किया है, और कंक्लूड भी हमें उसी तरीके से करना है। ओके, कंक्लूजन में मोस्टली हम एक वे फॉरवर्ड दे सकते हैं कि जो भी इशू अगर पूछा गया है तो उसके ऊपर सॉल्यूशन क्या होगा, ये हम यहाँ पे बता सकते हैं। एक मोस्टली पॉजिटिव नोट पे ही कंक्लूड करना ज़रूरी है। ओके, सो ये था, अगर आप स्टार्ट ही अभी कर रहे हो आंसर राइटिंग तो ये सब चीज़ें, ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर एंड इंकलकेट इन योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ओके, ये जो भी हमने अभी ये सब बोला है उसके लिए ज़रूरी क्या है और किस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमारा जो ह्यूमन ब्रेन होता है, जो भी हमारी मेमोरीज रहते हैं वो टेम्पररी टाइम के लिए रहता है, स्पेशली जब हम फैक्ट्स या फिर कुछ अनकम्फर्टेबल थिंग्स जो है, चीज़ जो है वो हम पढ़ते हैं जो हमारे लिए न्यू है। ओके, सो उसके लिए हमें रिपीटेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, सो दैट वी कैन फुल्ली इमर्स इन दैट प्रोसेस और वी कैन फुल्ली कॉम्प्रिहेंड द थिंग। ओके, तो यहाँ पे रिविजन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, सबसे पहले आंसर राइटिंग में क्लैरिटी एंड कॉन्शियसनेस आपको दिखना ज़रूरी है, राइट क्लियरली एंड कंसाइजली। ओके, आप जब भी लिखेंगे सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए। ओके, किसी को भी आपको आपके आंसर्स अगर पढ़ने हैं तो वो सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए और वो समझ जाने चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। अगेन हैंडराइटिंग भी बहुत ही अच्छी नहीं हो तो भी चलेगी, बट रीडेबल होनी चाहिए कि आपके आंसर्स रीड हो सकते हैं, कोई भी उसे रीड कर सकते हैं। ओके, टाइम मैनेजमेंट ये जो इशू है, जब आप अच्छे आंसर्स लिखेंगे, ओके, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब टाइम मैनेजमेंट का इशू आता है, और जब अगर आपका प्री क्लियर हो चुका है, अगर आपने अच्छी तरीके से मेंस की राइटिंग प्रैक्टिस की है तो यू कैन मैनेज अ टाइम, दैट इज़ नॉट अ वेरी बिग डील, बट येस आपको टाइम का भी ध्यान यहाँ पे रखना होगा। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको अगर आंसर लिखना है तो आप 10 मार्कर्स में ही बहुत ज़्यादा टाइम दिया है और 15 मार्कर्स के लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचा, ऐसा नहीं होना चाहिए। वी हैव टू एड्रेस ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ओके, देन रिविजन बहुत ज़रूरी है एंड देन प्रैक्टिस, एक ही दिन में आपको तो ये सब नहीं आएगा तो प्रैक्टिस भी इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट्स डाइव इनटू, तो जो GS2 का पेपर है उसके लिए आप स्टार्ट कैसे करेंगे। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो हम बोल रहे हैं उसके लिए NCERTs, ओके, और सेकंड अगर आप स्टेट बोर्ड के बुक्स पढ़ना चाहते हो स्टेट बोर्ड के बुक्स पढ़ सकते हो। ओके, ये हो गया आपका बेसिक। जब आप NCERTs पढ़ोगे तो जो भी कंसेप्ट होती है, व्हाट इज सॉवरेंटी क्या है, ओके, फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है, लिबर्टी माने क्या होता है, ये जो चीज़ें हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगी। ओके, उसके बाद यू कैन रीड इंडियन पॉलिटी बाय M. लक्ष्मीकांत। ओके, ये बुक जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव बुक है, जो भी स्टैटिक नॉलेज आपको ज़रूरी है ये सब इस बुक में है। अगेन इवन इफ यू वॉन्ट एनी अदर बुक और मोर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, तो जो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ओके, DD बसु का ये बुक है, इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये बुक भी आप पढ़ सकते हो। अगेन आई विल गिव यू द डिटेल रिसोर्सेस। ओके, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बुक इज इंडियन पॉलिटी बाय M. लक्ष्मीकांत, देन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय DD बसु, देन इंडिया ईयर बुक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो प्रोवाइड करता है, बट अगेन यहाँ पे
जो भी आप करंट अफेयर्स मैगजीन्स हैं वो भी पढ़ सकते हो, न्यूज़पेपर पढ़ना आपको ज़रूरी है, स्पेशली इन न्यूज़पेपर यू कैन रीड द एडिटोरियल्स। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको एनालिटिकल स्किल्स होन करने हैं। ओके, आपको डिस्क्रिप्टिव पैटर्न में लिखना है, इसलिए एनालिटिकल्स और डाइवर्स पर्सपेक्टिव आपके पास होना ज़रूरी है। दैट्स वाई स्टार्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर एंड वेरियस बुक्स। ओके, सो दैट यू कैन हैव अ मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स एंड यू कैन फॉर्म योर ओन थिंकिंग प्रोसेस और योर पर्सपेक्टिव। ओके, सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडिया बाय राम आहूजा। ओके, ये ऑप्शनल है। ओके, जो एम लक्ष्मीकांत है, एनसीईआरटी की हमारी जो बुक है वो कंपल्सरी है, यू कैन नॉट स्किप इट। ओके, बट इफ यू हैव टाइम एंड इफ यू हैव एनर्जी देन गो फॉर द नेक्स्ट रेफरेंस बुक्स। ओके, एनसीईआरटी है। ओके, देन करंट अफेयर मैगजीन्स जो है वो आपको पढ़ना है, इकोनॉमिक सर्वे एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। विदाउट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन यू कैन नॉट एनालाइज, आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। ओके, सो फॉर द प्री पेपर और प्रीलिम्स पेपर एंड फॉर द मेंस आपको हमेशा पीवाईक्यू जो है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, हमेशा उसे विजिट रिविजिट करना ही होगा। ओके, सो दिस इज अबाउट ऑल द थिंग्स आई वॉन्टेड टू टेल यू इन दिस वीडियो। If you have any difficulty or any other queries regarding the approach and regarding the any preparation of your preparation, so you can always contact me. Thank you. Have a nice day.